बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। मिस नुसरत हियर। बेटा, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब हम रिवीजन की तरफ जा रहे हैं। तो इस सिलेबस में जितनी भी आपने वर्किंग की, जो भी चैप्टर्स किए, वो आपकी कॉपी पर मौजूद हैं। तो हम उनका रिवीजन करेंगे और फिर आप साथ साथ उनकी लर्निंग करते रहिएगा, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग एंड ट्रबल शूटिंग। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हम पावर केबल लगाते हैं, कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ कुछ हमें कंप्यूटर को प्रोग्राम्स भी देने होते हैं, जिनके जरिए कंप्यूटर ऑपरेट होता है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहलाते हैं। यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि कंप्यूटर को वर्किंग कंडीशन में लाते हैं, ऑन कंडीशन में लाते हैं, ताकि हम उस पर अपनी वर्किंग कर सके, तो वो सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो वो प्रोग्राम कंप्यूटर में मौजूद होते हैं, ठीक है, जो रॉम रूटीन्स में मौजूद होते हैं, जो कि कंप्यूटर को की डिवाइसेस को चेक करते हैं। फिर उसके बाद हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, वो हमारी सिस्टम में हार्ड डिस्क पर मौजूद होते हैं। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो वो हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। जैसे हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, कौन सा यूज करें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हार्ड डिस्क पर मौजूद होगा। तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में आ जाएगा, ठीक है, और कंप्यूटर वर्किंग कंडीशन में आएगा, ताकि हम उस पर अपना काम कर सकें। आपको पता है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं और वर्किंग कंडीशन में आता है, तो आपको कैसे पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर अब हमारे लिए वर्किंग कंडीशन में आ चुका है कि हम अपना काम कर सके? हमारी स्क्रीन के ऊपर डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाती है, जो ये शो करती है कि अब हम अपना काम कर सकते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहें वो कर लें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, जो कंप्यूटर को वर्किंग कंडीशन में ले आए। ठीक है, अब जब आप देखो कंप्यूटर यूज करते हैं, तो कंप्यूटर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो जो भी कंप्यूटर यूजर है, वो कुछ प्रॉब्लम को फेस कर सकता है, और वो किससे रिलेटेड हो सकती है? कि कंप्यूटर किसी वजह से ऑन नहीं हुआ। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ट्रबल शूटिंग। अब ट्रबल शूटिंग में कंप्यूटर यूजर को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, कंप्यूटर जब हम यूज कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर में हम डिफरेंट केबल्स यूज करते हैं, ठीक है, एक होती है पावर केबल और एक होती है डेटा केबल। पावर केबल हम किसे कहते हैं? जो हम जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और डेटा केबल होती है जो कि हम सीपीयू से, मॉनिटर या मॉनिटर से, सीपीयू से जो अटैचमेंट करते हैं, वो डेटा केबल के जरिए कर रहे होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कोई पावर केबल या डेटा केबल लूज हो, जिसकी वजह से कंप्यूटर वर्किंग कंडीशन में ना आए, तो ये ट्रबल शूटिंग फेस कर सकता है कोई भी कंप्यूटर यूजर। तो अगर किसी वजह से कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? अपने केबल्स को चेक करेंगे, चाहे वो कीबोर्ड की है, माउस या मॉनिटर, सीपीयू, किसी की केबल, कोई भी केबल में मे भी हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको चेक करें, ठीक है। दूसरा हमारा ये प्रॉब्लम भी हो सकता है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो बाद जब हमारे सिस्टम पे एरर आता है, नॉन सिस्टम डिस्क। इसका क्या मतलब है? कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे विंडोज यूज करें। अब अगर हमने उसको विंडोज प्रोवाइड नहीं किया, हमने अपनी ड्राइव में कोई डिस्क लगाई हुई है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रीड करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज है उसको रीड नहीं करेगा, तो उसकी वजह से हमें एरर क्या मिल सकता है? नॉन सिस्टम डिस्क का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई वर्किंग कर रहे हैं और काफी देर तक आपने कंप्यूटर को ऑन किया हुआ है और कंप्यूटर में वर्किंग होती जा रही है, आपको पता है कि जब आप कोई भी डेटा सेव करते हैं, तो वो कहां पर सेव हो रहा होता है? कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में। और कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है? रैम मेमोरी। अब आप वर्किंग करते जा रहे हैं, तो वो सारा डेटा कहां सेव हो रहा है? रैम में सेव हो रहा है। अब अगर रैम मेमोरी फुल हो गई, उसमें और स्पेस नहीं है कि वो डेटा को सेव कर सके,
तो वहां पर वो एरर डिस्प्ले करेगा नॉट इनफ मेमोरी. क्या एरर आएगा? नॉट इनफ मेमोरी. तो अगर इस तरह का कोई एरर आए तो इसका मतलब है कि हमारी मेमोरी फुल हो चुकी है, तो हम उसको उसका डेटा वहां से रिमूव करेंगे. तो रिमूव करने का तरीका क्या है कि आप सिस्टम को शट डाउन कीजिए और दोबारा सिस्टम को ऑन करें, तो वो मेमोरी वहां से एम्प्टी हो जाएगी और अब आप जो भी प्रोसेस करेंगे मेमोरी में सेव हो सकता है. तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं जब हम कंप्यूटर को यूज करें, तो इनको हम क्या कहते हैं? ट्रबल शूटिंग. तो इस चैप्टर में हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था. इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस आपने अपनी कॉपी में की भी हैं, तो उनको आपने लर्न करना है ताकि आपकी एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी हो सके. आई होप कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.